देखो ये पहला सवाल है और ये है तो परीक्षा का, लेकिन आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा है कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो एक तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, तो पहले आप पहले तरीके से समझ लो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि लास्ट में अगर 25 है, इसके लास्ट में भी 25 है, इसके लास्ट में भी 25 है और इसके लास्ट में भी, तो आपको ये जो बची हुई संख्या है इसके केवल आपको ऐसे फैक्टर करके देखने कि अंतर एक होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपको याद रखने, जैसे 42 है तो 42 का तो सिंपल है, अभी बताया था 6 × 2 होता है 10 × 7। ऐसे ही अगर 12 की बात करें तो 12 का भी सिंपल होता है 3 × 20 की अगर हम बात करें तो 20 का भी होता है 4 × लेकिन क्या 25 के ऐसे फैक्टर कर सकते हो जिनका गैप एक हो? तो आप कहेंगे ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिनके बीच में एक का अंतर हो और 25 को छोड़। 5 × 5 25 होता है और 1 × 25 25 होता है, उसके अलावा तो होता नहीं है। तो इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी वाली नहीं है? 2500। अच्छा एक और बात, इनको आप थोड़ा सा याद कर रहे हैं, ये लगातार संख्याओं की गुणा याद करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। जैसे 1 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो, 3 का 4 से गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा 5 से करेंगे, 5 का 6 से गुणा करेंगे, 6 का गुणा 7 से करेंगे, 7 का गुणा 8 से करेंगे, 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 72, 9 का गुणा 10 से करेंगे 90। और आप चाहे तो इससे आगे थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, जैसे 10 × 11 कितना होता है, 11 × 12 कितना होगा, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 112 का 13 से गुणा करिए 156, 13 का 14 से गुणा करिए 100, और 14 और 15 का गुणा होता है 200, ये होता है 14 और 15। तो अब देखो पता क्या है कि इतने तो याद कर लो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जरूरत रहती है, 14 × 15, 13 × 14 कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं लग ही जाता है। ये याद रखने से ये होगा जैसे किसी के पेपर में ऑप्शन आ गए 182 25 156 25, तो पता रहेगा 182 13 × 14 होता है, 156 12 × 13 होता है। अब इससे दो फायदे हैं। अब इसमें पता क्या, जब आपसे वर्गमूल निकालने को कह दे, जैसे कल को पेपर में आपके सामने आ गई एक संख्या, आपसे कोई कहे कि बताइए कि 132 25 का वर्गमूल क्या होगा, आप लगाएंगे दिमाग बैठ के इसमें कि क्या होगा, जबकि आपको केवल इतनी बात समझ में अगर आती है तो आप ऐसे ही कर लेंगे कि अगर किसी के लास्ट में जैसे 25 तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा लास्ट में कितना आएगा। अब ये जो बची हुई संख्या ना, इसके दो ऐसे फैक्टर तो आप सोच लेंगे, दो फैक्टर इसके कौन कौन से होंगे, 132 होता है 11 × लेकिन आपको यहां पर जो संख्या लिखनी होगी, जो संख्या आपको यहां पर लिखनी है वो हमेशा छोटी वाली संख्या लिखनी है। तो 11 और 12 में कौन सी संख्या छोटी है, 11, यानी कि ये जो वर्गमूल है इसका वो कितना होगा 100। जैसे आपसे कोई पूछे 4225 का क्या होगा वर्गमूल, तो आप कहेंगे 25 की वजह से 5 आएगा और 6 यहाँ से आ जाएगा, तो 65 का हो गया स्क्वायर। सेम यही चीज स्क्वायर में भी आपके काम में आएगी। अब कल को कोई आपसे एग्जाम में पूछ बैठे कि 85 का स्क्वायर करिए, तो हमें पता है कि स्क्वायर करेंगे तो 5 है, इसीलिए लास्ट में तो पता है कि कितना आएगा 25, लास्ट में कितना आएगा, लेकिन ये यहाँ जो संख्या आएगी उसका ध्यान। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 8, छोटी संख्या तो यहाँ लिखते हैं, तो 8 के बाद जो संख्या है उससे गुणा कर दो, 8 के बाद कौन सी आती है, तो 8 और 9 की गुणा कर दो, यानी कि यहाँ कितना जाएगा 85 का स्क्वायर कितना होगा 7200, 8 के बाद 9 आता है 72 आएगा और लास्ट में आ जाएगा 25। वर्गमूल करेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे 8 × 9, लेकिन यहाँ तो 8 ही लिखा जाएगा, छोटी संख्या को लिखते ना यहाँ पर। तो मैंने यही चीज बताई कि जब कभी वर्गमूल पूछा जाएगा तो इससे पहले वाली संख्या के फैक्टर की जरूरत होगी। एक और समझते हैं, अब आप इसको बताना, अगर जैसे मैंने लिखा 5625 और मैं आपसे कोई इसका वर्गमूल बताइए, तो कोई दिक्कत थोड़े ना है, 25 है तो लास्ट में कितना आएगा 56 के जरा फैक्टर करो 7 × छोटी वाली संख्या यहाँ लिख दो, यानी कि ये संख्या इसका वर्गमूल कितना बनेगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला तरीका, ठीक है कि हमने इसको पहचाना इस तरीके से। अब आती है दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिजिट सम की बात की थी, तो जरा मुझे बता दो किसी संख्या का डिजिट सम मैंने क्या क्या बताया था कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जब आपसे कही रहा है कि ये पूर्ण वर्ग।
एक बार डिजिट सम चेक कर लो, क्या पता जो आपने पढ़ा है उसमें से कुछ लग जाए। क्या क्या डिजिट सम बताया था जरा मुझे बता दो। मैंने ये कहा था कि किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग ना होने पर उसका डिजिट सम क्या क्या होगा। अगर दो है, तीन है, पांच है, छह है और आठ, किसी का डिजिट सम अगर आ जाता है तो वो संख्या हमेशा आप ध्यान रखना निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती अगर डिजिट सम दो तीन पांच छह आठ आदि। जोड़ के देख लेते हैं। अब आते हैं, देखो डिजिट सम क्या होता है कि सारे अंकों को जोड़ देना। तो आप जरा जोड़ के बताइए एक एक करके। पहले वाले को जोड़िए, आप पहले वाले को जोड़िए क्या आएगा। अगर आप पहले वाले का डिजिट सम करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से पांच दो सात, सात दो नौ, नौ और एक, क्या आएगा डिजिट सम। और दस को अगर एक बार और जोड़ दें तो एक और जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा। ऐसे इसका डिजिट सम करेंगे तो पांच दो सात, सात और दो कितना होगा। अब इसका डिजिट सम करेंगे तो पांच दो सात, सात पांच बारह, बारह और दो कितना होगा, चौदह का एक बार और डिजिट सम कर दो क्या आ जाएगा। आपको याद होनी चाहिए कि अगर डिजिट सम पांच आएगा तो संख्या पूर्ण वर्ग। तो इसका डिजिट सम पांच आ गया, बाकी के बारे में हमें नहीं पता कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, नहीं पता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसका डिजिट सम तो पांच है। और अगर इसका डिजिट सम पांच है तो ये 100% श्योर हो गया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग। तो ये वाली संख्या आपकी अब भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका डिजिट सम हमारा कितना आ रहा है, पांच। अब हम कहेंगे कि किसी का डिजिट सम नौ है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है अगर डिजिट सम नौ है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। अगर डिजिट सम नौ है तो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं। अब जैसे 63 है, 63 को जोड़ेंगे तो नौ ही तो आएगा, लेकिन 63 क्या किसी का वर्ग है। तो जो गारंटी वाली, जो मैंने आपको फैक्ट लिखा है, केवल उन पे फोकस करना है कि अगर डिजिट सम पांच आ गया तो संख्या पूर्ण वर्ग निश्चित रूप से नहीं होगी, तब भी आंसर हमारा यही निकलेगा। बता दीजिए, देखो डिजिट सम ऐसे ही पता लगे, देखो 56 आ रहा है 7 × 72 आ गया, 8 × 9 72, 90, 9 × 10 90, सबके लास्ट में 25 आ रहा है। आप देखो इसमें भी 25, इसमें भी 25, मतलब एग्जामिनर ने जो सवाल बनाया वो बनाया इस कॉन्सेप्ट पे, तभी तो सबके लास्ट में 25 दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि 25 लास्ट में आता है तो कब पूर्ण वर्ग होती है। पूर्ण वर्ग तब होगी जब ये पहले वाला नंबर दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई हो, 9 × 56 भी हो जाएगा, 7 × 72 होता है, 8 × आप बताइए 36 का तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सा आंसर बनेगा। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, जैसे कोई संख्या किसी का स्क्वायर है तो वो दो लगातार संख्याओं का गुणा नहीं, कभी नहीं हो सकती। जैसे आपका 25 है, 16 है, 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का, तो कभी भी ये दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हो ही नहीं सकती। 5 × 5 = 25 होता है ना, 4 × 4 = 16 होता है, तो दो लगातार संख्याएं कैसे बन जाएंगी। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। तो कभी किसी संख्या का स्क्वायर देख लो, जैसे 36 किसका स्क्वायर है, ठीक, तो दो लगातार संख्याओं का गुणा नहीं होगा, कोई दिमाग मत लगा, कल को पेपर में आ जाए इस तरीके से। अब जैसे मैंने लिखा 4 ऑप्शन, ऐसे लिख ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप 110 देखेंगे, 132 देखेंगे, 20 देखेंगे, लेकिन पहले देखो इसे 64, 64 है 8 का स्क्वायर, मतलब दो लगातार संख्याओं का गुणा होना ही नहीं है इसको, तो आप ऐसे ही लगा दो, ये आपको नहीं भी पता है तो भी, क्योंकि दो सवाल आपने देख लिए और दोनों में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, स्क्वायर ही था, पीछे 25 25 था और इसमें 36, तो हो सकता है आगे कभी परीक्षा में पूछे तो 64 25 देखने को मिल जाए, है ना। सेम वही चीज कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, आपको ये बता। चलो आप पहले एक बार देख लो, फिर मैं अभी कुछ देर पहले बात की थी, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 है तो वो संख्या 100% पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ऐसा कुछ पढ़े थे। मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8, 2 3 7 8 अगर किसी के लास्ट में, तो वो 100% पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इसमें देखिए कि एक पहला ऑप्शन दिख रहा है जिसके लास्ट में कितना है, तो मुझे और कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये वाली जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब आप कहेंगे कि बाकी को हम कैसे चेक करें, अरे क्यों चेक करोगे, 4 ऑप्शन में एक उत्तर निकालना है या आपको कुछ वहां चेक करके दिखाना है, सोल्यूशन दिखाना है। आपको पता है कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और आपसे भी क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो आप सीधे उत्तर लगाओ कि ए वाला। अब बाकी तीन चेक करने में टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है कि तीन है या नहीं है। अब आप
इनकेस मैंने मान लिया कि 1% ये चांस हो गए कि ये वाली भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी सवाल के उत्तर तो दोनों हो नहीं जाएंगे, उत्तर तो एक ही रहेगा। अगर ये सवाल का उत्तर तुमने ये लगा दिया और किसी ने ये लगा दिया, नंबर तो सबको मिलेगा ना, फिर ये सवाल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दो उत्तर हो गए, इसके दो ऑप्शन थोड़े लगा सकते हो आप, एक ही लगा सकते हो। तो आप पेपर में टाइम खराब मत करो, ये तीन पूर्ण वर्ग है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला कंफर्म है कि ये पूर्ण वर्ग। अब ये देखो भविष्य वाले, भविष्य में आपसे जब कभी इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो आप ऐसे सवालों को देखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में तो अब यही आने लगा है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय, तो इसमें थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए कि कैसे पता लगता है कि किसका वर्गमूल अपरिमेय और किसका। तो ये वर्गमूल लिखा हो गया मिस्टाइप, तो आपसे कह रहा है कि किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा, तो हम बताओ क्या करें, कैसे बताएं कि किस संख्या का, पूछना क्या चाह रहा है ये। अच्छा आप ये बताइए कि कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल अगर आप देखेंगे, जैसे 16 है 25 है, इनका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 5 आएगा, 16 का कितना आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 2 का वर्गमूल बताइए, तो इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, और ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका वर्गमूल कितना होता है, उनका वर्गमूल कैसा आता है, और जो परफेक्ट स्क्वायर है इनका वर्गमूल कैसा आएगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, पीछे भी मैंने एक जगह पढ़ा रखा है आपको कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल है वो परिमेय होता है, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती उनका वर्गमूल बताया नहीं बताया। आप चाहे तो दोबारा से इस बात को लिख लो, हमेशा याद रखना कि कभी अगर कंपेयर कराने को कहे, पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर हैं आपके पास, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल होगा वो तो हमेशा आपका सॉल्व हो जाएगा, और वो हमेशा आएगा कैसा, परिमेय, ठीक है। लेकिन अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल कैसा आएगा। देखिए कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तब तो वर्गमूल परिमेय आएगा, और अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल कैसा आएगा, अपरिमेय। इसी वजह से अंडर रूट के अंदर लिखी हुई ऐसी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर रूट के अंदर लिख दी जाती है तो वो कैसे हो जाती है। अब जैसे पेपर में पूछ ले अंडर रूट 10 कैसी संख्या, तो हम कहेंगे इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल दशमलव में ही निकलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा। 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या थोड़े ना है, 10 का वर्गमूल ऐसे थोड़ा निकाल सकते हो जैसे 25 का निकाल दिया 5, है ना। तो अब अगर वो पूछे कि ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल परिमेय हो, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब मुझे संख्या कैसी बतानी है। अगर वो कहे कि ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल अपरिमेय हो, तो इसका मतलब अब हमें ये देखना है जो संख्या पूर्ण वर्ग, बात क्लियर हो गई। अपरिमेय कह रहा है वर्गमूल तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अगर आपसे कह रहा है वर्गमूल परिमेय है तो संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग की। तो अब हम सवाल पे आते हैं, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल कैसा होगा, अपरिमेय। वर्गमूल अपरिमेय अगर होगा तो ये बात कन्फर्म है, वर्गमूल अपरिमेय तभी होगा जब संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी, संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अगर परिमेय होता है तो इसका मतलब अब वो कह रहा है वर्गमूल तो अपरिमेय है, इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। अब इसमें से आप लगा लो, हमें ये बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है इन चारों, आप देख लो कि जो आपको सही है। इतना सॉल्व कर दिया कि अगर वो कह रहा है कि किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय, इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं। तो आप अपने जो भी अभी तक रूल्स पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनमें लगा के आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही। अच्छा डिजिट्स हम लगा के देख लेते हैं एक बार, ये भी पॉसिबल ही है, चलो डिजिट्स हम लगाते हैं, देखते हैं कि क्या पता बात बन जाए। तो आप जरा डिजिट्स हम लगाइए इस वाले में, 7 और 4 कितना होगा, 11 और 9 20, 20 6 26, और 26 और 1 कितना होगा, और 27 को एक बार और जोड़ दो कितना हो गया, 8 2 10, 10 3 13। डिजिट्स हम जब लगाएं तो 9 को 0 मान लिया करो तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 8 2 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 और 1 20 का अगर आप डिजिट सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसका डिजिट सम करेंगे तो 9 2 11, 11 9 20, 20 और 2 22, 22 और 9 कितना होता है 31, और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड कर लो, 8 8 16, 16 2 18, 18 9 27, 27 और 7 34, और 34 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले की बात है,
जब हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पे, ये लिखा है कि किस, अगर डिजिट सम की मैं बात करूंगा, नहीं डिजिट सम मैं अभी क्या बात की कि अगर डिजिट सम 2, 3, 5, 6, 8 होगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। आप देखिए जो अभी सवाल हम लोग कर रहे थे, इस सवाल में आप देखिए कि किसी का डिजिट सम कहीं 2, 3, 5, 6, 8 तो नहीं है। ये ऑप्शन आप देखो यहाँ क्या लिखा है, और मैंने अभी आपको जब पीछे भी बताया कि डिजिट सम अगर 2, 3, 5, 6, 8 आ रहा है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है जिसका डिजिट सम 2 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग, और यही हमसे पूछा गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एग्जामिनर आपको सवाल देगा तो इसलिए नहीं देगा कि चारों का वर्गमूल निकालो, सवाल इसलिए देगा कि जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वर्गमूल से रिलेटेड उन्हें लगा के आप इसका आंसर निकालो। चार का वर्गमूल निकालने का मतलब आप समझ रहे कम से कम 2 मिनट खराब हो आराम। ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल कैसा होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, और वर्गमूल अगर परिमेय, जिसका वर्गमूल परिमेय, अब वर्गमूल अगर परिमेय अगर कोई कह दे तो आप मुझे ये बताइए कि वर्गमूल परिमेय का मतलब संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका मतलब ऐसा है कि वो संख्या जो जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो संख्या है ये आपकी संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। पीछे वाले में वर्गमूल परिमेय था इसलिए संख्या हमने ऐसी देखी जो पूर्ण वर्ग नहीं थी, अब की बार वर्गमूल कैसा कह रहा है, परिमेय, तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब जरा इसमें आप करो क्या करो, अच्छा देखो सबसे पहले आप देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 8 आ जाता है तो वो संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग, इतनी बात क्लियर हो गई। किसी के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी ही नहीं, ठीक है। फिर आ रही बात, आपने कहा 35 आ रहा है और 35 में 5 से पहले कितना आ गया, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर लास्ट में 5 आएगा तो केवल एक ही बात बन सकती है कि 25 आना चाहिए, और 5 से पहले कुछ भी नहीं आ सकता। किसी के लास्ट में अगर 05 आ जाए, 05 आ जाए, 15 आ जाए, 35 आ जाए, 45 आ जाए, 55 आ जाए, 65 आ जाए, 75 आ जाए, 85 आ जाए या 95 आ जाए, मतलब 5 से पहले कोई भी डिजिट आ जाए, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। केवल पूर्ण वर्ग तभी होने की संभावना है जब कितना बनेगा, तो 5 से पहले अगर 2 नहीं है तो वो तो 100% बेकार हो गया बात। अगर 2 नहीं है और कोई डिजिट है तो वो पूर्ण वर्ग होनी नहीं है, तो 5 से पहले इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये वाली संख्या भी पूर्ण वर्ग, क्या ये पूर्ण वर्ग होगी। अच्छा एक और भी बात अभी बताई थी कुछ देर पहले, अगर लास्ट के दोनों डिजिट कैसे हो, विषम, तो वो संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो आप देखिए 35 का ये वाला डिजिट भी विषम है और ये वाला डिजिट भी विषम, का मतलब जो 2 से ना कटे। क्या 3 2 से कटता है, 5 भी 2 से नहीं कटता है। तो जब ये दोनों अंक 2 से कटते नहीं है तो दोनों विषम हुए, और लास्ट के दोनों अंक विषम होंगे तब भी संख्या पूर्ण वर्ग। अब बचे हमारे पास ये 2, इनमें इतने बड़े नंबर है कि आपको वर्गमूल निकालने में तो थोड़ा बहुत टाइम खर्च करना पड़ेगा। तो मैं तो केवल अभी थोड़ी देर पहले बात किया हूं कि लास्ट वाले 2 डिजिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कि क्या 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में किसी के लास्ट में 66 आता है, 84 आता है, बताइए। 84 तो आता है 22 के स्क्वायर में, 1 से 24 तक के स्क्वायर में 22 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये होता है 48, यानी कि 84 तो आ सकता है। मैंने क्या कहा, प्रत्येक संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंकों में से ही कोई एक होते हैं, तो 84 तो 22 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब इसके बारे में तो सोच सकते हैं कि हो सकता है ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो या ना, अभी कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी। अच्छा अब आते हैं 66 पे, क्या 66 किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं 1 से 24 तक, स्क्वायर अगर नहीं याद है तो एक बार नजर डाल लो, कहां बात कर रहे थे हम लोग स्क्वायर की। आप देखो कि कहीं भी 66 आ रहा है लास्ट के 2 अंकों में 1 से 24 तक, तो इसका मतलब आगे किसी का भी वर्ग करो 66 नहीं आएगा, तो आपकी जो 66 वाली पॉसिबिलिटी है ये आपकी नहीं बनने वाली। तो जो 66 आने की वजह से 66 1 से लेकर 24 तक की किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक नहीं होते, इसका मतलब 66 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक नहीं होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि हम इस वाले पे कर रहे थे डाउट कि 84 लास्ट में आया तो हो सकता है पूर्ण वर्ग हो सकता है,
लेकिन जब तीन विकल्प हमें पता है कि ये तीनों पूर्ण वर्ग है नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग। तीन आंसर अगर गलत है तो चौथा वाला तो सही होगा ही, तो आपकी ये वाली भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस पे जो डाउट था वो कन्फर्म हो गया, इसका मतलब यही वाली संख्या। तो 256 कितने का स्क्वायर होता है? 256 स्क्वायर किसका होता है? 16 का। तो 256 का वर्गमूल कितना होगा? आप जरा सवाल पढ़ लो, जिनने जिनने 16 बताया वो तो जरूर पढ़ लो, बस यहीं पे तो धोखा होता है। आप इतने भावुक हो जाते हैं सरल सवाल देख के, ये सोचते ही नहीं कि ये भी गलत हो सकता है। आप ये देखिए कि अंडर रूट 256 लिखा है, 256 नहीं लिखा है, और इसका आपको निकालना क्या है? अब आप इस बात को जरा समझिए कि क्या इन दोनों चीजों में अंतर नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा होता 256 का वर्गमूल बताइए, तो 256 का तो वर्गमूल हम जानते हैं कि 256 16 का स्क्वायर होता है। 256 कितने का स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। अगर ये 16 का स्क्वायर 256 है तो 256 का वर्गमूल जो होगा वो 16 होगा। ये वर्गमूल का ही तो सिंबल होता है ना, तो 256 का वर्गमूल आप 16 बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद एक बार वर्गमूल और भी तो लिखा है, यानी कि जो आपको वर्गमूल बताना है वो 256 का नहीं बताना है, अंडर रूट 256 का बताना है। अंडर रूट 256 का मान कितना हुआ? 16, क्योंकि 256 का वर्गमूल तो 16 ही होता है और वर्गमूल का सिंबल ये होता है आपका अंडर रूट 256, ये हो गया। इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ अंडर रूट 256 तो कितना होगा? अब इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अब 16 का वर्गमूल बताइए, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 16 पहला ऑप्शन था, आपने बड़े आराम से पहले ही कह दिया कि 16। ये पता है सरल सवाल आपके नंबर बहुत जल्दी गलत कराते हैं। आप कभी भी सरल सवाल को इतना लाइटली मत लो पेपर में कि आप माइनस में चले जाओ, कठिन वाला कम से कम छोड़ तो दोगे हाथ छोड़ के कि भाई ये नहीं होना,